दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लाभ हानि का वैसा क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस का वैसा क्वेश्चन जिसमें एक ही वस्तु को दो या दो से अधिक लोगों को बेचा जाता है और उस स्थिति में आपसे पूछ देता है कि उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, या तो उस वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा, या उस वस्तु का लाभ क्या होगा, या उस वस्तु का हानि क्या होगा। तो वैसे प्रश्न को कैसे सॉल्व तरीके से बनाया जाएगा, आइए आज की इस वीडियो में आपको दिखाते हैं हम। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हेडिंग लिख दी है और जैसा कि आप जानते हैं कि हम चक्रवृद्धि ब्याज का चैप्टर समाप्त कर दिए और उसका वीडियो यूट्यूब पर मौजूद है। जो भी विद्यार्थी उस वीडियो को नहीं देखे जाके वहाँ से क्लास कर सकते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे लाभ और हानि का, और ये एक टाइप का नाम है जब एक ही वस्तु को अलग अलग लोगों को बेचा जाता है तो वैसे प्रश्न को कैसे हल किया जाएगा। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन लिखा है कि ए ने बी को 15% लाभ पर, ए ने बी को 15% लाभ पर एक खिलौना बेचा। क्लियर। बाद में बी ने ए को यही खिलौना 20% लाभ पर बेचा और 552 रुपये का लाभ कमाया। तो ए ने उस खिलौने के लिए वास्तव में कितना भुगतान किया, ए वास्तव में उसको कितना भुगतान किया ये पूछ रहा है ना, मतलब ए कितना में खरीदा। क्लियर। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक कुछ समझिए। जब भी लाभ हानि चैप्टर आप सीखिएगा ना तो उसमें क्या आपसे पूछा जा सकता है, एक तो आपसे सीपी पूछा जाता है, क्रय मूल्य बोला जाता है इसको, या तो आपसे एसपी पूछा जा सकता है विक्रय मूल्य, या तो प्रॉफिट, या तो लॉस, ये चार तो पूछा जाएगा। और या तो आपसे पूछा जाएगा प्रॉफिट का प्रतिशत, लॉस का प्रतिशत, है ना। यही 6 नाम में से कोई भी एगो आपसे पूछ दिया जाता है ना, लेकिन इन सब का कोई ना कोई रूल के माध्यम से चलता है। क्लियर। ध्यान दीजिएगा एक बात और, कभी भी लाभ जब भी निकाला जाता है लाभ, तब विक्रय मूल्य में से सीपी को घटा दीजिएगा, विक्रय मूल्य में से सीपी को घटा दीजिएगा तो लाभ आएगा। क्लियर। ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे लॉस पूछ देगा कि लॉस कितना रुपया का होगा, रुपया में अगर लॉस पूछ देगा तो आप विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य के राशि को घटा दीजिएगा। मतलब यहाँ से आप एक फार्मूला भी लिख सकते हैं, लेकिन खैर वो इतना ना प्रैक्टिस आपका हो जाएगा कि फार्मूला याद नहीं हो रहेगा तो भी ये बन जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ से कभी आपसे प्रॉफिट पूछ दे कि प्रॉफिट कितना होगा, तो एसपी माइनस सीपी कर दिया जाता है, एसपी माइनस सीपी, या तो लॉस कभी पूछ दिया जाता है तो एसपी माइनस लॉस जब भी पूछ देता है यहाँ पे तो सीपी माइनस एसपी हो जाएगा यहाँ से, है ना, सीपी माइनस एसपी हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि 100 रुपया में आप खरीदें और आप 80 में बेच दिए तो आपको लॉस ही ना होगा जी, तो यहाँ से घट दिख गया तो आपको पता चल जाएगा 20 रुपये का लॉस हो जाएगा। क्लियर। और कभी आपसे प्रॉफिट का प्रतिशत पूछ दे कि लाभ प्रतिशत कितना होगा, नेक्स्ट वीडियो जो बताएंगे तो वहाँ पर लाभ प्रतिशत से संबंधित प्रश्न को हम लेकर आएंगे, इसलिए ये जो कॉन्सेप्ट है नेक्स्ट वीडियो के लिए काम करेगा, ध्यान दीजिएगा इसको। तो कभी प्रॉफिट प्रतिशत पूछ देना तो सीपी को नीचे रखिएगा हमेशा, और जो लाभ होगा उसको ऊपर रख दीजिएगा। जो भी लाभ आएगा, लाभ कैसे निकलेगा, एसपी में से सीपी को घटा के और 100 से गुना कर दीजिएगा तो ये बन जाएगा प्रॉफिट का प्रतिशत। अगर आपको लॉस का प्रतिशत निकालना है तो फिर उसी तरह से सीपी को नीचे रखिएगा, लॉस को ऊपर, लॉस कैसे निकलेगा, सीपी में से एसपी घटा के, और 100 से गुना कर दीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा ये प्रतिशत लॉस आ जाएगा। क्लियर। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी प्रॉफिट पूछेगा तो एसपी माइनस सीपी को घटाइएगा तो प्रॉफिट आएगा, लेकिन जब आपको लॉस पूछ दे तो सीपी माइनस एसपी घटा दीजिएगा तो यहाँ पर लॉस आ जाएगा। अब प्रॉफिट प्रतिशत निकालना होगा तो सीपी को नीचे, प्रॉफिट को ऊपर, अब प्रतिशत बदलना है तो 100 से गुना परसेंट का साइन, लॉस प्रतिशत निकालना है तो सीपी को नीचे, लॉस को ऊपर, और प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, कभी भी आपको आपसे जब प्रतिशत लाभ पूछ दे तो ध्यान दीजिएगा, जब तक एसपी और सीपी नहीं आएगा तब तक आप लाभ प्रतिशत नहीं निकाल सकते। मतलब एसपी और सीपी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अगर ये नहीं रहेगा तो आप ना तो लाभ प्रतिशत निकाल सकते हैं ना ही तो लॉस का प्रतिशत निकाल सकते हैं। क्लियर। अब आइए ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न पर हम बात करते हैं ये कैसे बनेगा, इसको मिटा देते हैं। चलिए
अगर कहीं कुछ धुंधला होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे, उसको सुधारने का प्रयास किया जाएगा। पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, लिखा है कि ए ने बी को 15% लाभ पर बेचा। ए ने बी को कितना परसेंट लाभ पर बेचा? 15% लाभ पर। किसको बेचा? बी को। एक खिलौना बेचा। क्या बेचा? खिलौना। बाद में बी ने ए को यही खिलौना 20% लाभ पर बेचा। मतलब ए ने बी को बेचा, बी क्या किया कि वो 20% लाभ पर वापस ए को बेच दिया, उल्टा कर दिया, किसी तीसरे पर्सन को नहीं, अपने में एक दूसरे को बेच रहा, और 552 रुपये का उसको लाभ हुआ। तो ए ने उस खिलौने के लिए वास्तव में कितना भुगतान किया था? ध्यान दीजिएगा, यहां पर जब भी लाभ प्रतिशत होगा ना, या लॉस प्रतिशत में बेचा जाएगा, तो जो व्यक्ति बेचेगा उसका वैल्यू को आप 100% मानिएगा। जो बेचेगा, स्टार्टिंग से पढ़िएगा, ए बी को बेचा तो ए जो है मान लीजिए कि इसका वैल्यू 100% होगा, है ना। बी को 15% लाभ पर बेचा, तो जब भी लाभ होगा ना तो 100 से पैसा ऊपर हो जाएगा, ये तो 115 हो जाएगा। मतलब बी को 115 में बेचा, सीधे जो 15% लाभ हुआ तो 100 का 15% जो निकलेगा ना, तो इसमें ले जाकर जोड़ दीजिएगा। मतलब ए ने बी को कितना में बेचा? 115 में। बी ने ए को यही खिलौना 20% लाभ पर वापस बेच दिया। अब ए को फिर बेचा, देखिए ए खरीदा कितना, बी खरीदा कितना में है? 115 में। अब 20% इस पर लाभ लेगा, तो 20% लाभ का मतलब सीधे इसका निकालेगा 120%। कभी भी प्रतिशत लाभ होता है ना तो वो 100 से ऊपर लेके जाया जाता, और हानि हो जाता तो 100 से नीचे। जैसे कह देता कि 20% लॉस तो इसका 80% निकालना पड़ता, 20% लाभ तो 120% निकालना पड़ा। क्लियर? तो ए क्या किया कि 100 में खरीदा और 115 में बेचा बी को। बी कह रहा है कि हम 115 में खरीदे लेकिन 115 में हम नहीं बेचेंगे, हम इस पैसा पर 20% लाभ ले गए, तो सीधे बनाएगा इसका 120%। अब इसको काटते हैं, देखते हैं कितना आता है। 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15। 5 से काटते हैं, 5 × 2 = 10, 2 से काटते हैं 6 भाग में, तो ये हो जाएगा 6 × 3 = 18, हासिल 1, 6 × 2 = 1, 13, 138 रुपया में। अब देखिए बी यहाँ पर खरीदा कितना में? 115 में। लेकिन वापस जब ए कहेगा कि फिर हमको बेच दो, तब बी कहेगा कि अब हम तुमको बेचेंगे 138 रुपया में बेचेंगे। और इस हिसाब से बी को देखिए यहाँ कितना लाभ हो गया, 552 रुपया का लाभ हो गया, है ना। अब यहाँ पर पता करिए कि बी को लाभ कितना हो गया, क्योंकि ये सब रेशियो लिख दिए, ये सब क्या लिखा गया? रेशियो हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बी खरीदा कितना में? 115 में, लेकिन बेच कितना में गया? 138 में। तो कुछ जो पैसा ज्यादा है ना वही उसका लाभ हो गया, तो यहां पता करिए कितने का लाभ हो गया। 138 में से 115 का घटाइए, 8 में से 5 गया 3, 13 में से 11 2, 23 रुपया का लाभ हुआ। यहां पर 552 का लाभ हुआ और यहां पर 23 का लाभ हुआ, तो लाभ के भागा लाभ से कर दिए, है ना। क्योंकि इसी तरह से हम शुरू से बनाते हैं, कोई भी मैथ हो रेशियो मेथड से ही बना ही देते हैं हम उसको। क्लियर? अब देखिए किसका वैल्यू निकालना, वास्तव में ए ने कितना भुगतान किया, तो ए भुगतान कितना किया यहाँ पर? 100 रुपया वास्तव में। लेकिन ये वास्तव वाला कीमत नहीं ना हुआ, यहाँ पर फंसिएगा, भाषा नहीं समझिएगा आजकल। लेकिन ए यहाँ पर देखिए 138 रुपये में बी बेच रहा ए को, कब? लास्ट में। लेकिन वास्तव कीमत पूछा है तो 100 से गुना करेंगे, है ना। अब देखिए काटिए 23 से इसको काट के देखिए, कटेगा 23 × 2 = 46, अब फिर हो जाएगा 4 × 92, 2400 कितना हो जाएगा? 2400 रुपया। क्लियर? आगे सबको समझ में? नोट कीजिए, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आइए उसी तरह का फिर से दूसरा क्वेश्चन आ गया। यदि एक्स किसी वस्तु को 5% लाभ पर वाई को बेचता है, वाई उसी वस्तु को 20% लाभ पर जेड को बेचता है, तथा जेड उसी वस्तु को 25% लाभ पर पी को बेचता है, यदि कुल भुगतान 2520 रुपया का करता है, तो एक्स के लिए उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या था? एक्स के लिए वस्तु का क्या पूछ रहा? क्रय मूल्य पूछ रहा, सीपी पूछ रहा। ध्यान दीजिएगा, एक्स एक वस्तु को कितना परसेंट लाभ पर, तो जो व्यक्ति बेचेगा उसका हमेशा 100 मानिएगा। क्लियर? तो एक्स के लिए लिख लीजिएगा 100, रेशियो का साइन दे दीजिएगा। 5% लाभ पर बेचा वाई को, तो जब भी लाभ होगा तो वो 100 से ऊपर भागेगा, तो 105 लिखिएगा। अब वाई उसी वस्तु को किसको बेच रहा है? जेड को। किसको बेचा है? जेड को, 20% क्या लाभ पर। तो इस 105 रुपया पर 20% लाभ का मतलब सीधे इसका 100
20% करना होगा। सही है, यहाँ देखिए सोना से सोना कट गया, पाँच से काट देते हैं, पाँच दूनी का 10, पाँच इकाई 5, पाँच से पाँच दूनी 10, दो से काटेंगे 6, तो ये कितना हो गया 6, 6 दूनी 12, 126 रुपया में जेड को बेच दिया कौन, वाई। क्लियर, अब देखते हैं आगे क्या है। जेड उसी वस्तु को 25% लाभ पर पी को बेच दिया। अब जेड कहता है कि हम बेचेंगे किसको, पी को। अब देखिए जेड खरीदा कितना में, 126 में, अब 25% लाभ का मतलब सीधे इसका 125%, 125%, और जितना आएगा उतना में वो बेच दिया, प्रतिशत हटेगा तो 100, 25 पाँच 125, 25 चौके 100, 4 से न कटेगा तो हो जाएगा ये 6, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, तो बन गया 63 × 5 बटा में 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पी को कहेगा कि 2520 रुपया भुगतान करता है ना। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इस लाइन में पी कितना भुगतान करेगा, इतना भुगतान करेगा, क्योंकि जेड पी को तो बेचा है ना, तो जितना में वो बेचा उतना में वो खरीदा, तो पी को भुगतान किया, पी ने भुगतान किया 23 × 5 बटा में 2, बटा में 2, वहाँ पर काटेंगे तो समय लगेगा, इससे अच्छा कि यहीं पर हम लेके आए। तो ये भी पी का पेमेंट है और ये भी पी का पेमेंट है। क्लियर, तो पी का भागा पी से, एक्स के लिए उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, तो एक्स के लिए, तो एक्स यहाँ पर रखा हुआ है, 100 से गुना कर देते हैं, काट के देखते हैं, 7 से काटते हैं, 70 × 21 4 आया, 6 × 42 3600 है ना, और 7 से भी काटते हैं, 7 × 63 ये हो गया 9 × 36 40, अब 5 से काटते हैं, 5 × 8 40 और 2 ऊपर चल जाएगा तो 16 हो जाएगा ना जी, तो 16 × 100 मतलब हो जाएगा 1600, आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, उसी तरह का क्वेश्चन है। एन एक वस्तु को 400 रुपया में खरीदा, एन एक वस्तु कितना में खरीदा, 400 में, वह उसे बी को 20% लाभ पर बेचता है, कितना परसेंट लाभ पर, बी को बेचता है 20% लाभ पर बेचता है, बी उस वस्तु को सी को बेच देता है 10% लाभ पर, सी ने बी को कितने रुपये चुकाए, सी ने बी को पूछ रहा, अच्छा ठीक है चलिए ध्यान दीजिएगा। ए ने 400 रुपये में खरीद लिया, कितना में खरीदा, ए ने, पहले ही ए का पेमेंट आपको यहाँ पर दे दिया गया, वह उसे बी को 20% लाभ पर बेचता है, कौन, ए बेचता है, तो ए का पेमेंट लिखिएगा 100, रेशियो का साइन दे दीजिएगा, बी को बोला 20% लाभ तो 100 से ऊपर लेके जाइएगा 120। क्लियर, बी कहता है कब हम सी को बेचेंगे 10% लाभ पर, तो सी 10%, तो इसी पर 10% लाभ लेगा, तो सीधे बना देगा इसका 110%, कट गया ये इसके साथ, 109 से 109 है ना, और 109 ये से कट गया पूरा, ये 11 12 हाँ 132, मतलब सी को बेचा 132 रुपया में। अब देखिए ए कितना में खरीदा है, 400, रेशियो में ए कितना में खरीदा, 100 में, तो ए का भागा ए से खरीद दीजिएगा। क्लियर, अब यहाँ पर पूछ रहा है कि सी ने बी को कितना चुकाया, तो सी कितना चुकाया, 132 रुपया, क्योंकि बी जितना में बेचेगा सी उतना ही ना चुकाएगा, तो 132 यहाँ पर गुना कर देंगे तो आंसर सामने प्रकट हो जाएगा, है ना, 4 × 8 53 × 52 558, 528, कितना हो गया 528। क्लियर, आगे सबको समझ में, तो यहाँ पर प्रश्न ऐसा देख रहे हैं हम लोग कि एक ही व्यक्ति 2-3 लोग को बेच रहा है, तो कैसे वो बन गया यहाँ पर। क्लियर, नेक्स्ट आ जाइए चौथा क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 1975 रुपया में खरीदा, ध्यान दीजिएगा, पहले ही इसका खरीदने वाला पेमेंट दे दिया, खरीदने वाला पेमेंट का मतलब वो सीपी हो जाता है, कॉस्ट प्राइस, लागत मूल्य, 12% लाभ पर उसे बेच दिया, वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, है ना, ध्यान दीजिएगा, एक लाइन में बन सकता है, या तो रेशियो लिख के बनाओ या तो डायरेक्ट बन सकता है, देखो कैसे 1900 कितना है 75 रुपये, ये सीपी हो गया, और कभी भी लाभ हानि जब भी लिया जाता है तो हमेशा सीपी पर लिया जाता है। क्लियर, तो यहाँ पर 12% लाभ लेके बेचा है ना, तो सीधे इसका निकाल दीजिए 112%, इससे पता चल जाएगा कि कितना रुपया में
बेचा एसपी आ जाएगा। अगर केवल इसका 12% निकालते तो लाभ आता, लेकिन सीधे 112% निकाल दिए तो वो एसपी आ गया, विक्रय मूल्य आ गया। और यहां पर देखिए विक्रय मूल्य ही पूछा गया है। अब इसको हल कीजिएगा ना तो आंसर सामने आ जाएगा, ठीक है? तो इसको घर पर हल कर लीजिएगा, हो गया। तो जब भी एगो आपको विक्रय सीपी दे दे, लागत मूल दे दे, और लाभ या हानि में से किसी एगो का देगा तो उसी का डायरेक्ट उतना प्रतिशत निकाल दीजिए। अगर मान लीजिए 12% या हानि हो जाता तो हम इसका जानते कितना परसेंट लगाते, 88% निकालते, 100 में से 12 घटा के जितना परसेंट आता उतना परसेंट निकाल देते। क्लियर? नेक्स्ट, यहां पर देखिए एक वस्तु 12.5% लाभ पर, कितना परसेंट लाभ पर, 12.5% लाभ पर 4500 रुपये में बेची गई, ठीक है? 4500 रुपये में क्या है, बेची गई। लाभ की राशि क्या है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लाभ की राशि पूछ दिया ना तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा रेशियो। लाभ की राशि पूछ दिया तो यहाँ पर लिखना होगा रेशियो लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर डायरेक्ट विक्रय मूल्य पूछ देता, अगर क्रय मूल्य देकर और लाभ हानि में से किसी एगो को दिया होता, अगर विक्रय मूल्य पूछ देता तो डायरेक्ट क्रय मूल्य का हम उतना प्रतिशत निकाल देते तो विक्रय मूल्य आ जाता। लेकिन लाभ जब भी पूछेगा तो थोड़ा सावधानी कर रखना है। यहाँ पर 12.5% ये लाभ दिया है ना तो लिखिएगा कि सीपी का वैल्यू 100, एक रेशियो लिख दीजिएगा। जब भी लाभ यहाँ नहीं होगा सीपी हमेशा 100 ही होगा। 12.5% लाभ तो लिखिएगा 12.5 लाभ हो गया, है ना। अब यहां से एसपी की बात करिएगा तो ये 12.5 इस 100 में आकर जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 112.5, ये एसपी हो गया। आया समझ में? अब ध्यान दीजिएगा यहां पे एक निश्चित राशि दिख रहा होगा 4500 रुपये में क्या है, बेची गई, बेची गई है ना। रेशियो में ध्यान दीजिएगा कितना रुपये में बेच रहा, इतना में बेच रहा तब बेचे गए के भागा बेचे गए से करेंगे। अगर कह रहा है कि क्या पूछ रहा है, लाभ की राशि, तो लाभ वाला रेशियो से गुना कर दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। क्लियर? चलिए इसको हल कर लीजिएगा, आंसर आएगा, डायरेक्ट नहीं कटेगा। देखिए एक अंक के बाद दशमलव, एक अंक के बाद दशमलव, खत्म हो जाएगा ये। बाकी इसको 5 से काटिए कटेगा, और काटने के बाद आंसर इसमें से 4 में से ही कोई होगा एगो। क्लियर? तो आज हम आपको बता दिए वैसा प्रश्न जो कि एक ही वस्तु को 2-3 लोग को बेचा जाए तो वैसे प्रश्न में कैसे लाभ निकाला जा सकता है, वैसे प्रश्न में कैसे विक्रय मूल्य निकाला जा सकता है, लागत मूल्य निकाला जा सकता है। क्लियर? नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे प्रतिशत लाभ निकालना हो या प्रतिशत हानि निकालना हो तो वैसे प्रश्न को कैसे डील किया जाएगा, ठीक है।